नमस्कार, मैं अनिता दिनेश पेशे से एक चित्रकार हूँ और वर्तमान में मैं शिव पे और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ और काफ़ी सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और मुझे लगता है आगे भी मैं इस विषय पर निरंतर काम करती ही रहूँगी। और क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ास करके लाइव वीडियोस का ज़माना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खुद को यूट्यूब पर अपना एक प्लेटफॉर्म बनाऊं और जिससे आप सबको कनेक्ट करूं, आप सब मिलकर के मेरी कला यात्रा के साझेदार बने। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कला चर्चा से रिलेटेड है। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो पेंटिंग्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरे इस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये समझ लेंगे कि पेंटिंग्स के एक्सपेंसिव होने का कारण क्या है। तो अगली बार जब आप किसी आर्ट शो में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक छोटी सी दिखने वाली पेंटिंग के पीछे उस कलाकार का की जो मेहनत होती है वो तो होती ही है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल बेचैनी होती है वो शामिल होती है। हम आर्टिस्ट जब कोई चीज़ बनाने की सोच रहे होते हैं तो एक जद्दोजहद दिमाग में चलती रहती है पूरे समय कि किस तरह से उसको मूर्त रूप दे, और ये एक यात्रा होती है। उसके पहले मैं आपको जो पृष्ठभूमि में पेंटिंग दिख रही है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत अजीज है क्योंकि मेरे दिल को ये पेंटिंग, अपने सारी पेंटिंग्स में मुझे ये पेंटिंग कुछ खास है मेरे लिए। और आप यकीन मानिए कि जितनी बार मैं इसको देखती हूँ उतनी बार मुझे इसमें इतने एलिमेंट्स दिखाई देते हैं कि हर बार मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि अच्छा इस पे तो पहले कभी नजर नहीं पड़ी। इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो महाकुंभ है, और ये पेंटिंग मैं महाकुंभ की जो मेरी बहुत ही छोटे पर मैं कभी एक बार गई थी और मेरी जो बचपन की स्मृतियां हैं उन पे आधारित है, और वही स्मृतियों को मैंने अपनी कल्पना में जो स्मृतियां थी उनको कैनवस पे अमूर्त रूप में इमिटेट किया, क्योंकि मेरी जो शैली है वो इम्प्रेशनिस्ट है। इम्प्रेशंस के आधार पर मैं अपने चित्रों को क्रिएट करती हूँ। और पैलेट और नाइफ से बनी हुई इस पेंटिंग में मैंने क्रॉस हैचिंग, क्रिस क्रॉस जैसी टेक्निक्स को यूज किया हुआ है। आपको कुंभ में को अटेंड करने का, कुंभ में जाने का सौभाग्य मिला होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से स्नान के दौरान जब शाही स्नान होता है तो एक तरफ अखाड़े, अलग अलग अखाड़े के साधु होते हैं, दूसरे घाटों पर आम जनता के लिए उसको खोला जाता है। तो वो मेरी स्मृतियों को मैंने मूर्त रूप इस पेंटिंग में दिया था। इस पेंटिंग का जो साइज है वो 5.5 x 5.5 feet है, और बड़े आकार की ये पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में मैंने बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ किए हैं, मैंने रेड के डिफरेंट शेड्स यूज़ किए हैं, ब्लैक यूज़ किया है, गोल्डन और वाइट, इन चार शेड्स में इस पेंटिंग को मैंने बना दिया है। ओरिजिनल आर्टवर्क के एक्सपेंसिव होने का जो सबसे पहला रीज़न है वो उनका एक्सक्लूसिव होना है। कोई भी आर्टिस्ट जब धीरे धीरे ग्रो करता है और वो नया होता है, बिगिनर होता है, फिर धीरे धीरे कई सालों तक काम करने के बाद, बहुत सारा काम करने के बाद वो अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप कर लेता है जो औरों से अलग होता है, एक्सक्लूसिव होता है। फिर उस आर्टिस्ट का जो वैल्यू होता है वो आर्ट कलेक्टर्स के बीच में, गैलरीज के बीच में और आर्ट लवर्स के बीच में उसकी एक अपनी पहचान बन जाती है। उस स्टाइल को लोग पसंद करने लगते हैं, उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस आर्टिस्ट की काम की जो डिमांड होती है वो बन जाती है और लोग उसके काम को तलाशने लगते हैं, उसके नाम से तलाशने लगते हैं। ऐसे में उसका जो ओरिजिनल वर्क होता है वो काफ़ी अप्रिशिएट होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ये माना जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट जो कि अपने स्टाइल को अचीव कर लिया होता है उसका जो आर्टवर्क होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो उस आर्टिस्ट के अलावा वैसी स्टाइल में बना हुआ आर्टवर्क कोई और आसानी से नहीं बना सकता है। और वो आर्टिस्ट खुद जब अपना काम करता है तो वो उसमें किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं होती है, ओरिजिनैलिटी होती है, जिसकी वजह से जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े गैलरीज हैं, वो मास्टर आर्टिस्ट या बड़े आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट का जो आर्टवर्क है वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ आपको देते हैं, जिसमें वो आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टवर्क एक्सक्लूसिव है, उसी आर्टिस्ट का बनाया हुआ है जिसका कि हमने आपको बताया है या जिसका कि क्लेम किया गया है कि ये इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का आर्टवर्क है, उसने इसको बनाया है, उसने अपनी लाइफ टाइम में इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाई है, इस वजह से ये ओरिजिनल आर्टवर्क है। और इस ओरिजिनल आर्टवर्क
के लिए आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को पे कर रहे हैं। अगर ऐसा निकलता है कि उस आर्टिस्ट ने इसका कोई कॉपी बनाई हो, किसी को सेल की हो, या गैलरी ने उसकी कॉपी तैयार करा ली हो, तो ऐसे में ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह बिहेव करता है। आप कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करके आर्टिस्ट के अगेंस्ट, गैलरी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, और इट मींस कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है वो लीगली बाइंडिंग होता है। तीसरा जो पेंटिंग्स के एक्सपेंसिव होने का इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न है पेंटिंग्स का ट्रैवल करना। जब आप किसी शो में एक आर्टिस्ट की पेंटिंग देखते हैं, तो आप ये नहीं जानते हैं कि इस पेंटिंग ने कितने सारे शोज़ में पार्टिसिपेट किया होगा, कितने सारे शहरों में ट्रांसपोर्ट हुई होगी, कितने सारे देशों में ट्रांसपोर्ट हुई होगी, कितने सारे शोज़ का ये हिस्सा बनी होगी। वो जो सारा एक्सपेंस होता है, वो अगर आर्टिस्ट सोलो कर रहा होता है, अपने से कर रहा हो, तो पर्सनली बेयर करना पड़ता है। गैलरी कर रही होती है तो उस एक्सपेंस को गैलरी बेयर करती है, पर ऐसी स्थिति में गैलरी अपना जो कमीशन है वो बढ़ा देती है, क्योंकि वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो उनके हेड्स में जा रहे होते हैं, जिससे आर्टिस्ट का जो आर्टवर्क में जो शेयर होता है वो कम हो जाता है। और ये जो ट्रैवल होता है, ये पेंटिंग्स की जो कीमत है उनको लगातार बढ़ाता रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शोज़ के लिए पेंटिंग्स जाती हैं पर कलेक्टर्स से बात नहीं बनती है, कलेक्टर्स को कई बार ना पसंद आती हैं, कई बार पसंद तो आती हैं पर जिस प्राइस को आर्टिस्ट कोट कर रहा होता है कलेक्टर उसके लिए नहीं तैयार होता है। इस वजह से पेंटिंग शोज़ का हिस्सा होती हैं, जो आर्ट शोज़ होते हैं उसमें जो गैलरीज होती हैं उनका रेंट होता है, जो क्यूरेटर्स होते हैं उनका भी शेयर होता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो उस पेंटिंग के हेड में जाते हैं और हिडन हैं, जो लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, और लोगों को लगता है कि कलर्स और कैनवास, कलर्स और पेपर यूज़ हुए, फिर ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। पर हर पेंटिंग की एक जर्नी होती है, और वो जर्नी कितनी लंबी होती है, कितने सालों तक होती है, ये आर्टिस्ट जानता है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनकी काफ़ी उम्र हो गई, अब वो नया काम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर वो उस दुनिया में नहीं रहे और उनकी पेंटिंग्स उनकी फैमिली के पास, किसी कलेक्टर के पास पड़ी हुई हैं, और ये माना जाता है आर्ट फील्ड में कि अब ये जो पेंटिंग्स हैं ये अब दोबारा नहीं बनेंगी, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है वो नया काम नहीं कर पा रहा है, या वो इस दुनिया में नहीं रहा। और उस वजह से भी जो कलेक्टर्स होते हैं वो उन पेंटिंग्स को ऑक्शंस में रखते हैं, बड़े बड़े जो ऑक्शन हाउसेज होते हैं वो उन पेंटिंग्स को का प्राइस कोट करते हैं, बायर्स अपने प्राइस कोट करते हैं, और इस तरह से उनकी पेंटिंग की, उनके काम की वैल्यू बढ़ती है, और कई बार उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में बिकती हैं। पर ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो उसको पहले ही सेल कर चुका होता है और कम कीमत पे सेल कर चुका होता है, इसलिए जो आप करोड़ों के अमाउंट सुनते हैं वो आर्टिस्ट के हेड में नहीं जाते हैं। बस इतना फ़ायदा होता है कि अगर एक पेंटिंग चर्चा में आ जाती है, बड़ी कीमत पे ऑक्शन हो जाती है, तो उस आर्टिस्ट की जो और पेंटिंग्स होती हैं उनकी वैल्यू सडनली बढ़ जाती है, और लोग उनके फैमिली मेम्बर्स से उनकी पेंटिंग्स को ले जाते हैं, अच्छी प्राइस दे के ले जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पेंटिंग बनाने वाला होता है उसको अपनी लाइफ टाइम में वो अप्रिसिएशन नहीं मिला होता है, वो मॉनेटरी गेन नहीं हुआ होता है, जो उसके पीछे छूट गए परिजनों को मिल जाता है, या फिर उसकी पेंटिंग में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको मिल जाता है। पेंटिंग्स के प्राइस का बड़ा होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, ऑक्शन हाउसेज हैं, वो पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कॉरपोरेट हाउसेस अपने यहाँ पेंटिंग्स लगाने के लिए भी पेंटिंग्स लेते हैं, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं, सो दैट कि उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की जब वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, उसकी पेंटिंग सडनली कभी बहुत हाई प्राइस में ऑक्शन हो जाएगी, तो वो उसकी पेंटिंग्स को ऑक्शन करके, उस पेंटिंग्स को अपना प्राइस कोट करके मार्केट में अच्छी कीमत पे बेच लेंगे, और उससे वो बेनिफिट कमा लेंगे, मुनाफा कमा लेंगे। तो पेंटिंग्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी एक साधन बन गई हैं, इस वजह से भी जो इनकी कीमत है, खासकर जो मच्योर आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो मिडिल एज आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स की कीमत ज़्यादा हो जाती है। जब आर्टिस्ट पेंटिंग को बनाता है तो वो पेंटिंग उसके लिए सिर्फ
पैसे कमाने का साधन नहीं होती है। ज़्यादातर आर्टिस्ट अपने काम से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो पीस होता है वो उनकी लाइफ की जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है, वो उनके लिए एक जीवन यात्रा की तरह होता है। और ऐसे में जो मेहनत लगती है वो तो लगती ही है, इसके साथ ही साथ बहुत सारा जो उसका जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी है वो उस पेंटिंग में जाती है। बहुत सारे फॉर्म्स की उसको तलाश करनी पड़ती है, बहुत सारे टेक्सचर्स की, बहुत सारे स्टाइल्स की, बहुत सारी टेक्निक्स की उसको ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो आज की डेट में जो आर्ट सप्लाईज़ हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और एक बड़ी पेंटिंग बनाने में इट्सेल्फ अपने आप में काफ़ी एक्सपेंस आता है, क्योंकि कलर्स काफ़ी महंगे हैं, कैनवस महंगे हैं, पेपर्स महंगे हैं, और इसके साथ ही साथ जो घंटों की मेहनत लगी होती है उसकी भी तो कोई कीमत होती है। आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग्स उसकी जीविका कमाने का साधन होती हैं, और ये आप समझ लीजिए कि पेंटिंग्स ऐसी चीज़ नहीं है जो हर रोज़ बिक जाएं, आपने 20 बनाई और 20 बिक गई। बहुत सारे आर्टिस्ट इस दुनिया से चले जाते हैं शायद बिना एक भी पेंटिंग बेचे हुए। दूसरी बात, एक समय होता है जब आप काफ़ी काम कर रहे होते हैं, और हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कुछ एक साल ऐसे होते हैं जिस दौरान वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, बढ़िया काम निकल रहा होता है, लगातार वो नए काम बना रहा होता है, पर एक पॉइंट के बाद उसमें किसी न किसी वजह से रुकावट आ जाती है, किसी न किसी वजह से वो जो प्रक्रिया होती है वो शिथिल हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे में उसकी जो आय का साधन होता है वो उसकी उस दौरान बनाई गई पेंटिंग है, जिनको कि वो अपने जीवन पर्यंत उसमें से कुछ काम निकाल करके अपनी आर्ट सप्लाईज़ का खर्चा निकालता है, अपने ट्रैवल एक्सपेंस निकालता है, अपने घर गृहस्थी को चलाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेंटिंग बनाना भी एक तरह का रोज़गार है, जिससे आदमी को कमाई की उम्मीद होती है, उसको ये उम्मीद होती है कि ये वो इसके परिवार को पालने का साधन बनेगी। ऐसे में अगली बार जब आप जाएं किसी गैलरी में, किसी शो में, किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग को देखें, तो इन सभी बातों को आप सोच के देखें कि आर्टिस्ट होना, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां पर कि शायद बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो आर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे में आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आर्ट के जो एडमायरर्स होते हैं वो तो रिच और सुपर रिच हैं, मगर आर्ट बनाने वाला जो आर्टिस्ट है वो तो एक सिंपल सा आर्टिस्ट होता है, एक सामान्य बैकग्राउंड का होता है। बहुत सारे लोग जो एकेडमिशियंस हैं आर्ट की फील्ड में, उनको तो इतना सपोर्ट होता है कि उनकी एक जॉब होती है और उनके पास सैलरी होती है, और वो बहुत ही निश्चिंत होकर के अपने नए आर्टवर्क्स को कर सकते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जिनके पास कोई और रोजगार नहीं है सिवाय पेंटिंग्स को बनाने के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो अपने कला प्रेमी मित्रों के संग शेयर करें। इसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया अपडेट करूं तो वो आप तक जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, ताकि हमारी जो आर्ट कम्युनिटी है वो बढ़े।